हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। त्योहारों में से एक माना जाता है। हर साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है, जब सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश करता है। पर इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को नहीं बल्कि 15 जनवरी को है। 14 जनवरी को देर रात में सूर्य अपनी राशि बदलेगा, इस कारण अगले दिन यानी 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। बता दें, इस साल में कुल मिलाकर 12 संक्रांति होती है, क्योंकि सूर्य हर महीने में अपनी राशि परिवर्तन करता है। लेकिन इनमें से 4 मकर संक्रांति महत्वपूर्ण है, जिनमें मेष, कर्क, तुला, मकर संक्रांति शामिल है। मकर संक्रांति के दिन से ही घरों में शादी ब्याह, मुंडन और नामकरण जैसे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, इसीलिए इस त्योहार का लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। तो चलिए अब बताते हैं मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ खास बातें। सबसे पहले जानते हैं मकर संक्रांति यानी खिचड़ी मनाने के पीछे की पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार शनि देव को उनके पिता सूर्य देव पसंद नहीं करते थे। इसी कारण सूर्य देव ने शनि देव को उनकी माँ छाया को अपने से अलग कर दिया। इस बात से गुस्से में आकर शनि देव और उनकी माँ ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का श्राप दे डाला। पिता को कुष्ठ रोग में पीड़ित देख यमराज, जो कि सूर्य भगवान की दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र हैं, उन्होंने तपस्या की। यमराज की तपस्या से सूर्य देव कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। लेकिन सूर्य देव ने क्रोध में आकर शनि देव और उनकी माता के घर कुंभ शनि देव की राशि को जला दिया। इससे दोनों को बहुत कष्ट हुआ। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देख उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को समझाया। यमराज की बात मान सूर्य देव शनि से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। कुंभ में आग लगाने के बाद वहां सब कुछ जल गया था, लेकिन काले तिल अभी भी बाकी थे। इसीलिए शनि देव ने अपने पिता सूर्य देव के काले तिल से पूजा की। इसके बाद सूर्य देव ने शनि को उनका दूसरा घर यानी मकर दिया। तभी से मान्यता है कि शनि देव को तिल की वजह से ही उनके पिता, घर और सुख की प्राप्ति हुई। तभी से मकर संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा के साथ तिल का बड़ा महत्व माना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं मकर संक्रांति मनाने का शुभ मुहूर्त। पुण्य काल है सुबह 7:19 से लेकर दोपहर 12:30 तक। सुबह से लेकर दोपहर तक का ये समय दान के लिए बहुत ही शुभ है, और स्नान करने के लिए महापुण्यकाल मुहूर्त है 7:19 से लेकर सुबह के 9:02 तक। धर्म ग्रंथों में तिल दान को बहुत विशेष बताया गया है। इस दिन दान का विशेष महत्व है, विशेषकर तिल दान का। महिलाएं पूजा करते वक्त सुहाग की निशानियों को चढ़ाती हैं और फिर इन्हें 13 सुहागनों में बांटती हैं। तो चलिए अब राशि के हिसाब से बताते हैं कि इस पावन पर्व पर किसे क्या दान करना चाहिए। मेष राशि वाले, जल में पीले फूल, हल्दी और तिल मिलाकर अर्घ दें और तिल और गुड़ का दान करें। वृष राशि वाले, जल में सफेद फूल, चंदन, दूध और तिल डालकर सूर्य को अर्घ दें। मिथुन राशि वाले, जल में तिल डालकर सूर्य को अर्घ दें। कर्क राशि वाले, जल में दूध, चावल, तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ दें, इससे आपको संकटों से मुक्ति मिलेगी। सिंह राशि वाले, जल में कुमकुम, लाल फूल और तिल डालकर सूर्य को अर्घ दें। कन्या राशि वाले, जल में तिल, दुर्वा, पुष्प डालकर सूर्य को अर्घ दें। मूंग दाल की खिचड़ी बनाकर दान करें और गाय को चारा दें। तुला राशि वाले, सफेद चंदन, दूध, चावल का दान करें। वृश्चिक राशि वाले, जल में कुमकुम, लाल फूल और तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ दें, इसके साथ गुड़ का दान अवश्य करें। धनु राशि वाले, जल में दूध, चावल, तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ दें। तेल, रुई, वस्त्र, राई का दान भी अवश्य करें। मकर राशि वाले, जल में तिल, दुर्वा और पुष्प मिलाकर सूर्य को अर्घ दें, इसके साथ गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। कुंभ राशि वाले, गरीबों को खिचड़ी खिलाएं, कंबल दान करें और इसके साथ चने की दाल का भी दान करें। मीन राशि वाले, तिल, तेल और पुस्तक का दान करें, इससे आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। दान के अलावा मकर संक्रांति के दिन अलग अलग पकवानों के साथ खिचड़ी बनाने और खाने का खास महत्व है। इसी वजह से इस पर्व को कई जगहों पर खिचड़ी का पर्व भी कहा जाता है। दरअसल चावल को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है, उड़द की दाल को शनि का, हरी सब्जियां बुध से संबंध रखती हैं। मान्यता है कि खिचड़ी की गर्मी मंगल और सूर्य से जुड़ी है,
इसीलिए मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने से राशि में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। कहा जाता है कि इस दिन नए अन्न की खिचड़ी खाने से पूरे साल